फाइनली जरा हटके जरा बच के मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 41 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इस मूवी के 42वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब है ये मूवी खत्म हो चुकी है, अब इस मूवी का एंड आ चुका है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कम बजट में बनने वाली मूवी भी इतनी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 41 दिनों में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड में कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है और इस मूवी का बजट क्या था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हिट साबित हुई फ्लॉप। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। जरा हटके जरा बचके मूवी में विकी कौशल और सारा अली खान लीड रोल में देखने को मिले थे। ये एक कपल की मूवी थी जिसमें दिखाया जाता है कपल है जो एक जॉइंट फैमिली में रहता है, वो अपने लिए अलहदा घर खरीदना चाहता है, उसे अलहदा घर खरीदने के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं ये सब इस मूवी में दिखाया जाता है। अगर ओवरऑल बात करें इस मूवी के बारे में तो ये मूवी एक फैमिली इंटरटेनिंग एंड लव स्टोरी मूवी है। अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने पहले 28 दिनों में इंडिया से 82 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी की पहले 28 दिनों की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने पहले 28 दिनों में वर्ल्ड वाइड 108 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट था सिर्फ 40 करोड़ और इस मूवी ने पहले 37 दिनों में इंडिया से 86 करोड़ 83 लाख की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 37 दिनों में वर्ल्ड वाइड 114 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के 39वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने अपने 39वें दिन 18 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने अपने 40वें दिन 20 लाख और इस मूवी ने अपने 41वें दिन 10 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले 41 दिनों की इंडिया वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने पहले 41 दिनों में इंडिया से 88 करोड़ 7 लाख की नेट कलेक्शन कर ली है। इस तरह इस मूवी ने पहले 41 दिनों में वर्ल्ड वाइड 116 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है। इस मूवी का बजट था 40 करोड़ इस मूवी ने पहले 41 दिनों में वर्ल्ड वाइड 116 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। गाइस 2023 में बहुत सी मूवीज रिलीज हुई, कुछ मूवीज़ तो ऐसी थी जिस मूवीज़ का बजट बहुत ही ज़्यादा था लेकिन फिर भी फ्लॉप हुई, जैसे आदि पुरुष मूवी। आदि पुरुष मूवी का बजट 500 करोड़ के करीब था लेकिन वो मूवी फिर भी फ्लॉप हुई, और अजराट के दरबज के मूवी का बजट था 40 करोड़ लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।